नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। राजधानी दिल्ली और आसपास के शहरों में दीपावली के अगले दिन से ही वायु प्रदूषण ने हाल बेहाल कर रखा है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता रविवार को गंभीर श्रेणी से सुधरकर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई और वायु गुणवत्ता सूचकांक 338 दर्ज किया गया। ऐसे में उन स्मॉग टावर को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिनको इसलिए लगाया गया था जिससे हवा साफ होगी। वहीं अब बढ़ते स्मॉग की वजह से लोगों को भी तमाम तरह की परेशानियों और बीमारियों को झेलना पड़ रहा है। इसीलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है ताकि इस बढ़ते प्रदूषण से बचा जा सके। और इसीलिए हम तमाम डॉक्टर्स को अपने साथ रोजाना जोड़ते हैं ताकि आपको किस तरह से सावधान रहना है और कैसे इस बढ़ते स्मॉग में अपना बचाव करना है ये पता चल सके। इसीलिए आज मानसिक रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर हेमिका अग्रवाल से जानिए आपको कैसे अपना बचाव करना है। पहले तो हमें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पॉल्यूशन लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं और अवेयरनेस इस बात में बढ़ानी पड़ेगी, जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी कि पॉल्यूशन ज़्यादा है और ये एक चिंता का विषय है और ये किसी एक जने के लिए नहीं, ये पूरे समाज में हर प्राणी पर इसका असर पड़ता है। तो पॉल्यूशन ज़्यादा होने में जो इमीडिएट अर्जेंट स्टेप्स सरकार ने लिए हैं वो छिड़काव है, पानी का छिड़काव जगह जगह है, एयर प्योरीफायर्स लगाने की कोशिशें हैं वो जो चल रही हैं, ये सब तो सरकार कर रही है, लेकिन हर आम नागरिक भी अपने लेवल पर काफ़ी काम कर सकता है। घर से बाहर निकलें, सड़कों पे जाएं जहाँ पर वाहन चल रहे हों तो वहाँ मास्क का यूज़ बिल्कुल करें, अवश्य करें, जिससे कि आप पॉल्यूटेड हवा अंदर ना लें, फेफड़ों में ना जाए आपके और छन के जाए। अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखिए और खाना हेल्दी खाइए, ये सारी चीज़ें हमें पॉल्यूशन के होने वाले डैमेजेस से बचाती हैं। तो क्या क्या पॉल्यूशन से क्या क्या खतरा हो सकता है? देखिए, एयर पॉल्यूशन जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता है उसमें शरीर के हर हिस्से पर प्रभाव पड़ सकता है। आँखों में जलन हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, खांसी जुकाम हो सकता है, एलर्जी हो सकती है और फेफड़ों की दिक्कतें भी, सीरियस दिक्कतें भी हो सकती हैं, जैसे कि अस्थमा, COPD नाम की दिक्कतें, ब्रोंकाइटिस वगैरह, ये प्रेसिपिटेट हो सकती हैं, ये उत्पन्न भी हो सकती हैं। और जो लोग पहले से बीमार हैं, जिनको सांस का रोग है, उनको वो लोग और ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनमें ये तकलीफें आम जनता के मुकाबले जल्दी सामने आने लगती हैं और वो जो थोड़े बीमार हैं वो ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा किस तरह से जो लोग इस तरह से ग्रसित हैं वो किस तरह से अपना बचाव करते हैं? देखिए, अपनी इम्यूनिटी, खाने पीने का ये ध्यान रखना, बाहर जाते वक्त मास्क लगाना, ये सब तो है ही, साथ में आप हर आदमी यहाँ पेड़ पौधों लगाएं और जितने ज़्यादा पेड़ पौधे और हरियाली होगी पॉल्यूशन उतना ही कम होगा और हमारे वाहनों से और दूसरे सोर्सेस से होने वाले पॉल्यूशन को वो काटेगा। तो पेड़ लगाएं, पेड़ काटें ना, अपने आसपास हरियाली रखें, अपने घर में हरियाली रखें। हाँ, मच्छरों का ज़रूर ध्यान रखें कि इस तरह से हरियाली ना हो कि बारिश के वक्त पानी इकट्ठा हो और उसमें डेंगू के मच्छर उत्पन्न हो। साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए हरियाली बढ़ाएं। देखिए, जैसे कि खांसी, जुकाम, बुखार अगर मानसिक रोगियों में ऊपर से आ जाए तो उनकी परेशानियाँ दुगनी हो जाती हैं। रात को खांसते खांसते सांस की दिक्कत से उनकी नींद और ख़राब होती है और मानसिक रोगी इन कंप्लेंट से OPD में आते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गई हैं पॉल्यूशन की वजह से और हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसे जैसे ख़राब हो रहा है ये दिक्कतें ज़्यादा सामने आ रही हैं। देखिए, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएँ और बड़े बूढ़े लोग जिनकी जो वल्नरेबल ज़्यादा हैं इन बीमारियों के लिए या जो पहले से सांस के रोगी हैं, ये पॉपुलेशन ऐसी है जो खास तौर पे बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है इस तरह की दिक्कतों के लिए, पॉल्यूशन से होने वाली तकलीफ़ों के लिए।